चीजें देखनी है। ताबात के तुर्की के समोसे, क्या है, पकोड़े हैं ये नए स्टाइल के और बहुत मजे के लग रहे हैं और खुशबू जबरदस्त। जी इस टाइम मैं एप्टाबाद चेयर लिफ्ट वाली जगह पे आ गई हूँ और आपको दिखाते हैं ये सामने वहाँ पे चेयर लिफ्ट वगैरह चलती हैं, तो आगे चलते हैं और फिर देखते हैं। फ्रेंड्स, एप्टाबाद चेयर लिफ्ट वाली जो जगह है वो यकीन करें, जब आप ऊपर खड़े होते हैं तो नीचे से जो व्यू नज़र आ रहा होता है उसका आपको ऐसे लगता है जैसे आप बहुत ऊपर आसमान पे मौजूद हैं, यानी कि उसकी हाइट ही इतनी ज़्यादा है कि खौफ आ जाता है बंदे को जब वो नीचे देखता है आगे पीछे और ये वो। यहाँ पे ज़रूरी हदायात जो लिखी हुई हैं वो वहाँ पर जाने से पहले ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फैमिली है साथ, बच्चे हैं साथ, तो बहुत ज़्यादा केयर के साथ और ख़्याल के साथ जाइएगा, क्योंकि चेयर लिफ्ट में मैं तो रेकमेंड करती हूँ कि बच्चों को ना बिठाया जाए और ख़ास कर एप्टाबाद चेयर लिफ्ट जो कि बहुत हाइट पे है, इस पे तो बैठकर यकीन करें कि मेरा दिल डूब गया था और नीचे बार बार देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, ये इतनी ऊंचाई पे है। और बल्कि मेरा व्लॉग अगर आप देखें और उसके बाद आप लोग जाएँ यहाँ पर, तो मैं आपको यही कहूँगी कि बी केयरफुल और बहुत केयर के साथ, ख्याल के साथ आप लोग वहाँ पर बैठें। आगे पीछे का, ऊपर नीचे का जो व्यू है, जो खूबसूरतियाँ हैं पहाड़ों के बीच में से जब चेयर लिफ्ट गुज़रती है, आप यकीन करें इतना अच्छा लगता है। लेकिन साथ में डर और खौफ जो है वो इंसान के साथ साथ होता है, और इसी तरह मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मैं किसी चीज़ से डरूँ ना डरूँ, ज़ाहरी सी बात है ऊंचाई से डर तो हर किसी को ही लगता है। तो यहाँ पर मैंने टिकट्स ले लिए हैं 2 अदद और यहाँ पर मैं जा रही हूँ जी चेयर लिफ्ट पे अब बैठने। और सबसे जो चेयर लिफ्ट पे बैठने का मरहला होता है वो तो खैर बहुत इजी होता है, ये देखें यहाँ पर बस गए और आप सोफ़े की तरह बैठ गए, और मैं यहाँ पर देख रही थी कि कोई बेल्ट शेल्ट है ना बांधने के लिए और जी यहाँ पर जो है फिर बस मैं अब मैंने अपना सफ़र चेयर लिफ्ट का स्टार्ट कर दिया हुआ है। और यहाँ तक तो ठीक था, इस दरख्त तक आपको कोई खौफ नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा और आगे जाते हैं तो बस साथ साथ आपका दिल डूब रहा होता है, डर लग रहा होता है। लेकिन मैं ऐसे बहादुर बन के बैठी हुई थी, मैंने फील भी नहीं होने दिया कि मुझे कुछ डर लग रहा है। लेकिन यकीन करें आसपास का व्यू, पहाड़ और नीचे आबशारें नज़र आती हैं, और इवन के बहुत दूर दूर इतने छोटे छोटे से घर नज़र आ रहे, और सारा जितना भी कोई एरिया था विलेज का था या जो भी था, लोगों की ज़मीनें काश्त हुई हुई खेत और इतने खूबसूरत खूबसूरत जंगल। पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, बहुत जबरदस्त अच्छा व्यू है, बस सच बात माने तो खौफ आ रहा है। इस टाइम मैं ऊपर जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा इसकी हाइट है, यकीन करें एप्टाबाद की चेयर लिफ्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पर ज़रूर आएं। अच्छा फ्रेंड्स, जब मैंने एप्टाबाद चेयर लिफ्ट का सिर्फ नाम सुना हुआ था तो मुझे बस सिर्फ इतना ही पता था कि यार चेयर लिफ्ट है और बस जैसे होती है, कोई इतना ख़तरनाक व्यू वगैरह उसका नज़र नहीं आएगा आसपास में। लेकिन जब मैं वहाँ पर गई हूँ और जब मैंने देखा कि चेयर लिफ्ट पे आप, क्योंकि मैं बैठ तो गई थी तो अब मैं नीचे तो उतरने से नहीं वहाँ पे, फिर अगर मैं छलांग मारती तो मैं सीधा नीचे ही जाती, लेकिन यहाँ पर मेरी इन्जॉयमेंट आप देखें कि इन्जॉयमेंट पूरी हो रही है, खौफ दिल में था लेकिन फिर भी इन्जॉयमेंट मेरी यहाँ पर फुल है बिल्कुल। तो इस वजह से बस, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब चेयर लिफ्ट पे बैठ जो गए थे
तो फिर वो उन लम्हात को और उन खूबसूरतियों को जो हमारे आसपास नज़र आ रही थी उनको हमने इंजॉय तो करना था, क्योंकि अच्छा वक्त जो है वो बार बार नहीं आता और उसको हाथ में रखें उसको जाने ना दें। तो बस इसी तरह मेरे साथ भी हुआ, मैंने कहा भाई यहाँ से आगे पीछे कहीं नहीं जाना, बैठ गई हूँ तो इसको इंजॉय करना है। और पाकिस्तान में मेरे ख़्याल से एबटाबाद से ज़्यादा चेयर लिफ्ट और कहीं पे भी इतनी हाइट पे नहीं है। अच्छी अच्छी चेयर लिफ्ट्स आपको बहुत मिलेंगी, बहुत खूबसूरती हैं मेरे पाकिस्तान में, लेकिन इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे चेयर लिफ्ट का होना एक बहुत बड़ी बात है। और जिस पे ये चेयर लिफ्ट का वज़न अटका हुआ था, वो जब मैंने उन भाई साहब से वहाँ पर उतर कर पूछा, यहाँ पे बस हम लोग उतरने लगे थे और मैंने वहाँ पे जो आगे इनके होते हैं आदमी काम वगैरह वाले और ये वो, उनसे मैंने जब पूछा कि ये तो चेयर लिफ्ट एक हुक टाइप चीज़ है और एक स्क्रू सा है और उस पर ये बस लटकी हुई है, ये देखें यहाँ पे मैं गिरते गिरते बच गई थी, आप सारों की दुआएं थी तो मैं बच गई हूँ। और ये मेरे साथ बहुत दफ़ा होता है ज़िंदगी में, बहुत बार गिरने लगती हूँ लेकिन आप लोगों की दुआएं साथ होती हैं तो मैं बच जाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हासदीन जो हैं वो देखते रह जाते हैं। तो बस यूं ही मेरे साथ होता है हमेशा और आप लोगों की दुआएं मुझे आगे भी इंशाल्लाह चाहिए होंगी। यहाँ चेयर लिफ्ट का आधा सफ़र मेरा ख़त्म होता है, यहाँ पर हम लोग उतर जाते हैं, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत झूले शूले स्लाइड ये वो बड़ा इंजॉय बंदा करता है। और यहाँ नीचे ना एक छोटी सी आबशार भी है, वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं फिर से चेयर लिफ्ट पे बैठ गई थी और वापसी जो था वो मैंने, वापसी का रास्ता यहाँ से ही है, आपने वापस यहीं से जाना होता है। और फिर से माशाल्लाह माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे जंगलात में से आप लोगों को गुज़र के जाना होता है और वहाँ पर नीचे जगह जगह उन्होंने बोर्ड्स लगाए हुए हैं कि जी यहाँ पर प्लीज़ छलांग ना मारिएगा, यहाँ पर कहीं जंगली जानवर भी हैं और ये वो, बड़ी केयर करनी पड़ती है। तो आप लोग बहुत ध्यान से बैठिएगा, ख्याल से बैठिएगा। और फिर उसके बाद जी ये देखें ऊंचाई कितनी ज़्यादा है कि वीडियो में ही बंदा देखता है तो वो डर जाता है, तो जो बैठा हुआ हो उस टाइम तो आप सोच लेंगे उसके हालात अंदर से कैसे हो रहे होते। और ये जो ऊपर जो इस चेयर लिफ्ट को चला रहा है ना सिस्टम, ये बस मजबूत होना ज़रूरी है कि ये पक्का हो बस। और इस पे मुझे बस बार बार मैं इसको ऊपर देखती थी और डर सा भी लगता था, लेकिन ये है कि ऐसे नहीं होता। और यहाँ पे जो है प्रैक्टिस हो गई थी उतरने की, काफ़ी हद तक मैं बिल्कुल सही उतर गई थी यहाँ पे। और पाकिस्तान में ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप जाके इंजॉय कर सकते हैं, उनमें से एबटाबाद चेयर लिफ्ट बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने मेरे व्लॉग को इंजॉय किया होगा, कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा और ताकि मुझे पता चलता रहे आप मेरी वीडियोस लाइक करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़।